बाघमारा में रेलवे ट्रैक के पास एक बड़ा हादसा हुआ है। रेलवे ट्रैक के बिजली के खंभे पर काम कर रहे 6 ठेका कर्मियों की झुलसकर मौत हो गई है। आपको बता दें कि हादसे के दौरान सभी कर्मी खंभे पर काम कर रहे थे। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर रेलवे के बड़े अधिकारी पहुंच गए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि ये गोमो धनबाद रेलखंड के झारखोर फाटक के पास की ये घटना है। उधर इस घटना के दौरान एक चौंकाने वाली बात भी सामने आ रही है। इस घटना के लगभग 200 मीटर दूर खड़ी एक किशोरी को भी करंट का झटका लगा है, जिसके बाद रेलवे की स्वास्थ्य टीम ने उसकी जांच की है, जहां किशोरी पूरी तरह स्वस्थ पाई गई है। और देखिए, बागमारा निचितपुर रेल फाटक के पास एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां करंट लगने से 6 कर्मियों की झुलसकर मौत हो गई है। मौके पर रेलवे के बड़े अधिकारी मौजूद थे और एक चौंकाने वाली घटना भी सामने आई है। 200 मीटर दूर पे खड़ी एक लड़की को भी करंट का झटका लगा है। और बागमारा से बड़े हादसे की खबर है, जहां घटना स्थल जहां एक निश्चितपुर रेल फाटक के पास बड़ा हादसा हुआ है। करंट लगने से 6 कर्मियों की झुलसकर मौत हो गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अशोक जी। अशोक, बागमारा से बड़े हादसे की खबर आ रही है, जिसमें 6 कर्मियों की झुलसकर मौत हो गई है। क्या कुछ मामला है? ये मामला धनबाद गोमो रेलखंड के बीच का है, झारखोर फाटक संख्या 7 का घटना बताया जा रहा है। घटना के दौरान पूरी जो जानकारी मिल पाई है, ये ठेका मजदूर है जिनकी मौत हुई है, और वो ठेकेदारी के दौरान ही पोल को खड़ा करने का कार्य कर रहे थे। किसी तरह वो जो पोल है, जो भी यहाँ पे लाइन पर जो भी बिजली का तार क्रॉस कर रहा था, जो रेलवे का जी अशोक, आपकी आवाज हम तक सही से नहीं आ रही है, आप दोबारा हमें जानकारी दे। जी, पूरा मामला यह धनबाद गोमो रेलखंड का है, जहाँ 6 ठेका कर्मी की मौत स्थानीय जो भी रेल का जो ट्रैक है उसके बिजली की चपेट में आने से हुई है। कार्य के दौरान यह मामला हुआ। फिलहाल यह स्थिति है कि यहाँ पे जांच को लेकर प्रथम प्रक्रिया है शासन को दिया गया है, इसके अंतर्गत हमारी एसपी मौके पर पहुंच गई है और सभी दृष्टिकोण से जांच किया जा रहा है कि घटना का कारण क्या है, घटना का जो भी स्थिति बनी हुई है इसके जिम्मेदार कौन है, ये सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। जी जी, एक और बड़ी चौंकाने वाली घटना सामने आ रही है इसमें कि एक लड़की किशोरी की 200 मीटर दूर जो थी उसे भी करंट लगा है। जी, यहाँ के स्थानीय लोगों की बात माने तो पास में एक झारखोर बस्ती समीप में वहाँ जो घटना स्थल है, वहाँ से 200 मीटर दूर एक बच्ची को भी यह करंट का झटका महसूस हुआ और उसकी चपेट में आ गया। हालांकि रेल स्वास्थ्य विभाग की जो टीम आई थी कि पूरी तरह वो कैसे उसे अपने आगोश में ले लिया, ये सब जांच के विषय है। हालांकि इस मामले की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से लोग स्थानीय लोग ग्रामीण शिकायत करने के बाद उसकी स्वास्थ्य की जांच भी हुई है। जी जी अशोक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। और देखिए, बागमारा से बड़ा हादसा, ये देखिए आप तस्वीरें, जहां एक बागमारा निश्चितपुर रेल फाटक के पास एक बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें करंट लगने से 6 कर्मी झुलस कर जिनकी मौत हो गई है। और मौके पर रेलवे के बड़े अधिकारी मौजूद हैं। रेलवे के बिजली के खंभे से झटका लगा है सभी को, और उसी में झुलस कर 6 कर्मियों की मौत की खबर है। और ये दर्दनाक मौत का जो हादसा आपको बता रहे हैं, ये बागमारा निश्चितपुर रेल फाटक के पास का है। और चौंकाने वाली खबर ये भी है कि उसके पास ही 200 मीटर पास ही एक किशोरी को भी करंट लगने की बात सामने आ रही है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये भी जानकारी सामने आ रही है, ये भी चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।